बीजेपी का तो यहाँ था जो हाँ बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन अब कह नहीं सकते। जो मुकेश शर्मा जी का भी वोट है यहाँ पे, नवीन गोयल जी का भी वोट है, तो कह नहीं सकते। बाकी हाँ सारे अभी मोदी जी के समर्थन में ही हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो कांग्रेस टीम ने नहीं करके दिखाया, तो हम भी मोदी जी के समर्थन में ही रहेंगे। काम करवाया सर नवीन जी ने, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बन के कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने तो अभी तक आए नहीं है, जब आ जाएंगे तो उसके बाद देखो कितना अच्छा काम और करेंगे। अब ये देखो ना, अभी तक तो एक कैनवीन हॉस्पिटल है जी, सुविधा कितनी बड़ी दी है। आज के टाइम पे गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हॉस्पिटलों में इलाज करवाना आसान बात नहीं है जी। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और इस समय हम चुनाव कवरेज करने के लिए हरियाणा राज्य में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है और अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, वोटिंग की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। इस समय हम हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा में हैं और हम गुरुग्राम विधानसभा के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और फिलहाल में हम अशोक विहार एक्सटेंशन 3 में हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश शर्मा जी को टिकट दिया है, वहीं पर कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर जी को टिकट दिया है। और इतना ही नहीं, चुनाव में दिलचस्प मामला यहां पर आया है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी से यहां के जो एक दिग्गज प्रत्याशी थे नवीन गोयल जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कमजोरी साबित होती हुई दिख रही है। बाकी लोगों के जहन में क्या चल रहा है हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। एक भैया हमारे साथ हैं, क्या नाम है? शशि किशोर। अच्छा शशि किशोर भाई, आप क्या काम करते हैं? अभी तो मैं यहाँ जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। अच्छा जॉब करते हैं। ये चुनाव आ गया है तो यहाँ गुरुग्राम की क्या स्थिति है? गुरुग्राम में वैसे चांसेस तो बीजेपी का था, लेकिन अभी जो वोट बट गए ना यहाँ पे, नवीन गोयल जी निर्दलीय खड़ा हो गए तो उससे अब तो कांटे की टक्कर हो गई। हो सकता है ये वोट काटे तो फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। अच्छा हाँ, बाकी नवीन गोयल जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, इनके हॉस्पिटल जो है ना जी, इनके हॉस्पिटल में सस्ते सस्ते इलाज भी चल रहे हैं, तो वो मैं देखा था। बाकी बीजेपी का तो यहाँ था जो हाँ बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन अब कह नहीं सकते। जो मुकेश शर्मा जी का भी वोट है यहाँ पे, नवीन गोयल जी का भी वोट है, तो कह नहीं सकते। बाकी मोहित ग्रोवर जी के बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है। अच्छा उतना आप जानते नहीं है, जैसे नवीन गोयल के बारे में आप बता रहे हो उनके अस्पताल वगैरह हैं, तो क्या एक्चुअल में वो समाज सेवी हैं भी? नहीं है। है? वैसे तो है, समाज सेवी भी है और एजुकेशनल के मामले में उनका एजुकेशन भी अच्छा खासा है, तो कांग्रेस का भी है और मुकेश गोयल और ये मुकेश शर्मा और नवीन गोयल जी प्रत्याशी, तो यहाँ पर लगभग 18-20 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तीन, दो तो देख रहा हूँ जो आमने सामने है, कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरा नवीन गोयल जी है। मैंने कहा था त्रिकोणी, हाँ त्रिकोणीय बन गया है यहाँ पे मामला, त्रिकोणी चुनाव हो गया है। हाँ हमारे साथ एक मैम है, क्या नाम है मैम आपका? ममता देवी। अच्छा ममता जी क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं जी। ओके आप हाउसवाइफ हैं। ममता जी अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। आपको बीजेपी पसंद आ रही है? हाँ, बीजेपी, अच्छा, बीजेपी के अच्छा बीजेपी में जैसे यहाँ पर नवीन गोयल जी भी थे, वो भी अभी तक बीजेपी से ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला है तो वो दूसरी तरफ आ गए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट रह सकता है? नवीन गोयल भाई साहब भी जैसे कैनविन फाउंडेशन खोला हुआ है उन्होंने, कैनविन के हॉस्पिटल जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जी, काफी अच्छा कर रहे हैं वो भी। अब ये नहीं पता कि बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया। अच्छा अगर टिकट उनको जैसे मिलती तो क्या चुनाव की तो कैसा चुनाव? आई थिंक जीतते वो, अच्छे से जीतते, बहुत अच्छा काम करे। अभी हम कैनविन फाउंडेशन जो उनका चल रहा है जी, बहुत मतलब मिनिमम फीस लेते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स रखे हुए हैं, हम लोग तो वहीं जाते हैं ज्यादातर इलाज वगैरह के लिए ना। अच्छा तो मतलब कहना चाहिए वो समाज सेवा में काम हो रहा है या पैसे ऐसे भी पड़ते हैं? नहीं समाज सेवा के लिए काम हो रहा है। अब कहाँ तो आप 1500 रुपए की फीस देते हैं डॉक्टर्स की प्राइवेट में, और वैसे ये जो कैनविन फाउंडेशन खुला हुआ है वो सिर्फ 100 रुपए फीस लेते हैं। कुल मिला के आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ बहुत। हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? संदीप जानिया। अच्छा संदीप भाई कहाँ रहते हैं आप? ये भी पीछे रहते हैं। क्या जगह? अशोक ऑफिस 3 एक्सटेंशन।
अच्छा अशोक विहार फेज 3। अच्छा अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है यहाँ की क्या स्थितियां हो सकती हैं यहाँ पे गुरुग्राम विधानसभा की? देखो जो कांग्रेस के कैंडिडेट है जी, उनका मतलब कोई नाम नहीं सुना पहले, इफ यू टॉक अबाउट कि आए थे नहीं आए थे, वो बीजेपी के भी है तो इतना नहीं है, लेकिन जो नवीन गोल जो निर्दलीय है उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला अपना जी, ठीक है वो काम करते हैं जी, वो टिकट नहीं मिली बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा मैम हमारे साथ है, मैम क्या नाम है? अनु। अनु जी प्लीज एक मिनट आ जाइए यार, क्या काम करती हैं आप? मैं अभी हाउसवाइफ हूं। ओके आप हाउसवाइफ हैं मैम, अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल है? हाँ सारे अभी मोदी जी के समर्थन में ही हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो कांग्रेस टीम ने नहीं करके दिखाया, तो हम भी मोदी जी के समर्थन में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं आप मोदी जी की नीतियों से खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं, उन्होंने जो किया है कुछ अलग ही किया है जी। बहुत परिवर्तन किए हैं भारत में जो पहले नहीं थे, होने भी चाहिए थे। अच्छा आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसी को भी टिकट मिल जाती, आप मोदी जी को ही के लिए? मोदी जी के फेवर में ही है और मोदी जी के निर्णय से हम उनके साथ ही। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं और हम चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई? भाई साहब मेरा नाम राहुल है, मैं पालम विहार निवासी हूँ, गुड़गांव। अच्छा अच्छा हाँ जी, अब चुनाव आ गया है हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार गुड़गांव में क्या माहौल है? गुड़गांव में माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, इसी बीच हमारे बहुत से लोग खड़े हैं, जैसे मुकेश शर्मा जी खड़े हैं, नवीन गोयल जी खड़े हैं, दौलताबाद जी तो एक्सपायर हो गए लेकिन उनकी वाइफ खड़ी हुई है जी। तो इस बार जो उम्मीद है जीतने की वो उम्मीद है नवीन गोयल जी की, वैसे तो पहले बीजेपी से थे वो खड़े हो रखे, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल पाई किसी कारणवश, वो तो हम जानते नहीं जी, लेकिन उम्मीद पूरी की पूरी नवीन गोयल जी की है। तो क्या लग रहा है जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ पार्टियों से प्रत्याशी हैं कांग्रेस हो भाजपा हो, तो और इधर नवीन गोयल जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या वजन रहेगा इस बार उनका चुनाव? इस बार वजन तो ये रहेगा कि पूरी उम्मीद है मुझे कि नवीन गोयल जी आएंगे इस बार गुड़गांव में, और क्या पता बाद में जब पार्टी मिलजुल के हुए तो हो सकती है बीजेपी के साथ उनको संगठन आपस में करना पड़ सकता हो सीट्स को लेके। मतलब आपका मानना यह है कि नवीन गोयल जी के व्यक्तिगत सामाजिक कार्य इतने हैं, व्यक्तिगत व्यवहार है कि बिना पार्टी के भी वो यहाँ से मैदान फतेह कर सकते हैं? मैदान फतेह कर सकते हैं आप, अगर आप नॉर्मली आप उनकी रैली देखोगे तो रैली में भी आज के कम से कम 1000 व्यक्ति उनके साथ खड़ा होता है। आप युवा हैं, देश के युवा हैं, ईमानदारी से बताइएगा आप मतलब नवीन गोयल जी के मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो पर्सनल जुड़े हुए हैं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो? प्राइवेट सेक्टर से हैं जी, हम तो जॉब करने वाले इंसान हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि उनकी नीतियां आपको पसंद है? हाँ उनकी नीतियां कर रहे हैं। आप बताओ, अच्छा आप बताओ, आप बताओ भाई, गरम गरम चुस्कियों के साथ उसी तरीके से जवाब आना चाहिए। क्या नाम है सर? शुभम मित्तल नाम है सर मेरा। आप क्या काम करते हो सर? मैं भी जो भी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। गुड़गांव में? गुड़गांव में सर। अच्छा गुड़गांव में है, तो आपका क्या लग, देखो इनका ओपिनियन हो सकता है अलग हो आपका अलग हो, ये देश है स्वतंत्र है आप भी युवा है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सर माहौल बहुत बढ़िया है सर, दोनों पार्टी कक्ष है, सबसे बढ़िया है जी हमारे नवीन भाई साहब। अच्छा आएंगे और 101% आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ऐसे क्या काम है? हाँ। काम करवाया सर नवीन जी ने, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बन के कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने अभी तक आए नहीं है, जब आ जाएंगे तो उसके बाद देखो कितना अच्छा काम और करेंगे। अब ये देखो ना अभी तक तो एक कैनवीन हॉस्पिटल है जी, सुविधा कितनी बड़ी दी है, आज के टाइम पे गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हॉस्पिटलों में इलाज करवाना आसान बात नहीं है जी, नहीं पर इनने जो हॉस्पिटल खोला है उसमें आप जाके देखो सुविधा मिलेगी आपको बढ़िया से बढ़िया। कई हॉस्पिटल है, कई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। फिर जो काम कहते हैं करवा देते हैं जी, सारे जितने भी कर्मचारी इनके सीवरों के सारे इनके लगे हुए हैं, अब तो अभी तक तो बने नहीं है, जब बन जाएंगे तो उसके बाद देखो ना आप कितना सुधार करके देंगे। अच्छा कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये जो भी इतना प्रोग्राम पूरा चल रहा हो ये चुनाव के लिए चल रहा हो, वोट मांगने के लिए, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, ऐसा तो नहीं? सर अगर ऐसा चल रहा होता तो अदर भी तो कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं करा, मुकेश शर्मा भी तो कर सकते थे। अच्छा आप लोग इतना नवीन गोयल जी के कार्यों से संतुष्ट है, मुझे लग रहा है उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक, आपको ये पता है कि निर्दलीय चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एक चुनाव चिन्ह कमल है, उनका हाथ का पंजा है, कितना अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो कितना जानते हो चुनाव उनाव चिन्ह के बारे में, आपको कोई नॉलेज? उनका चुनाव चिन्ह जो गिलास है मुझे, कांच का गिलास, कांच का गिलास, कांच का गिलास पता है आप लोगों को? मतलब अभी चुनाव चिन्ह आ नहीं पाया आप लोगों को जानकारी, मुझे लग रहा है बहुत कट्टर समर्थक है। सर आप देखो ना फेसबुक पे यूट्यूब पे हर जगह सर मेंशन है, कांच का गिलास आया हुआ है सर का। उसके अलावा आज की रेट में अगर आप गुड़गांव में क्षेत्र में देखोगे तो रैलियां हो रही हैं,
कई जगह उनके कार्यक्रम हो रहे हैं तो पता चल जाता है आप उनकी नीतियों से खुश हैं। भाई लोग हैं, युवा है, कहीं उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दे रखा है, लोगों को रोजगार दिया, कहीं ना कहीं आप नवीन गोयल जी की नीतियों से खुश हैं। आपके अनुसार अभी नवीन गोयल जी सत्ता में नहीं आए हैं लेकिन सत्ता का सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सत्ता का सुख भोगकर जो है उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि अभी तक जब तक सत्ता में नहीं आए तब लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जो कि एक बहुत बड़ा एक गुड़गांव जैसे एक शहरी इलाके में जो एक छोटे व्यक्ति के लिए इलाज करा पाना उतना आसान नहीं होता और वो 100 रुपए की एक पर्ची में इलाज जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी कई और लोगों से भी हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग गुरुग्राम में अपना किसको नेता चुनते हैं और उसको विधानसभा तक का सफर तय कराते हैं। बाकी हम कई एक भैया हमारे साथ हैं, भैया क्या नाम है? देवाशीष। अच्छा देवाशीष जी क्या काम करते हैं आप? मैं ईवाई के साथ करता हूं, ईवाई एलएलपी के साथ काम करता हूं। ओके ओके, यहीं गुड़गांव में ही रहते हैं जी। अच्छा अब चुनाव आ गया है, अच्छा अब चुनाव आ गया है हरियाणा में और आप देश के युवा हैं तो क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि देश का युवा ही देश का परिवर्तन और देश का भविष्य तय करता है, तो इस बार क्या लग रहा है कि आपका जो वोट है, मैं ये तो नहीं पूछ सकता हूँ किसको देंगे, बट आपकी नजरों में यहाँ पर क्या होने वाला है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं? देखो गुड़गांव के पर्सपेक्टिव से तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि हूएवर इज गोइंग टू वर्क, जो सबसे ज्यादा काम करना चाहता है गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसी को वोट बैंक पे वोट मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से सड़कें जो गुड़गांव की बारिश में जो हालत रखी है, अगर आप उसको देखोगे तो वो बहुत ही बेकार है। मतलब मैं अपने घर से अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे 2-2 घंटे लग रहे ट्रैवल करने में, बिकॉज सड़क खराब है, पानी भरा जा रहा है। अगर काम होना है तो तरीके से काम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के विधायक भी आपके गुरुग्राम के भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो भी यहाँ पर काम किए गए हैं तो क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे फॉर एग्जांपल मेट्रो का अभी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर वो होता है तो वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे सबके लिए जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं इधर उधर, बिकॉज वो पूरा सर्कल बनेगा गुड़गांव में, तो अगर वो काम शुरू होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर होगा ही। तभी डिपेंड करता है कि कंसिडरिंग the government is about to change तो कौन उसको एग्जीक्यूट कर पाता है प्लान को, तो वो ज्यादा लग रहा है। जैसे अब यहाँ पर कई प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से मोहित ग्रोवर जी भी हैं, बीजेपी से भी प्रत्याशी आ गए हैं, उधर बीजेपी से निर्दलीय अपना नाता तोड़कर नवीन गोयल जी अलग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? देखो कांग्रेस से जिनको टिकट मिली है मोहित ग्रोवर और बीजेपी से जिसको टिकट मिली मुकेश शर्मा, दोनों ही गुड़गांव के हैं, तो बेसिकली गुड़गांव को किसी भी शहर की यू नो सुधारने के लिए जो वहीं पर पला बड़ा है उसको ही पता है कि उसका क्या कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही गुड़गांव के हैं, तो अगर कोई भी जीतता है तो मुझे लगता है कि दोनों ही गुड़गांव के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बीजेपी से नवीन गोयल जी भी थे, अब उनको टिकट नहीं मिली है तो वो पीछे हट गए हैं, अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर मुकेश शर्मा जी की जगह पर अगर नवीन गोयल जी को टिकट मिलती तो कैसा रहता, या प्रेजेंट टाइम में वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट रह सकता है? देखो इम्पैक्ट तो ये होगा, नवीन गोयल ने भी काम करा है पूरा है, वो ही इज हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड, बहुत सारे क्लिनिक्स खुले हैं कैनविन करके बहुत सारे, तो वो एक तरीके से सपोर्ट तो कर ही रहा है, बट बाकी लोग भी सेम चीज भी कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि इसमें कोई, मैं तो एग्जैक्ट प्रॉपर ओपिनियन तो नहीं बता पाऊंगा मैं अपना, बट यही है कि हाँ मतलब मेरा ये है कि मैं बॉर्न ब्रॉट अप इन गुड़गांव, गुड़गांव में पला बड़ा सब कुछ, मेरा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहीं और नौकरी भी यहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन ओपिनियन तो यही रहेगा कि जो भी काम करेगा जी, तो अभी तो इट्स वेरी डाइसी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा। अच्छा यहाँ से नवीन गोयल और मुकेश शर्मा के कंपेयर में आपको कौन सा प्रत्याशी बेटर नजर आता है? ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल बोल पूछ रहे हो बट मेरे पास नहीं, एक्चुअल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई और होता तो मैं नहीं पूछता, क्योंकि जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक पढ़े लिखे एक युवा से बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप तो बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से बोलने वाले होंगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑन कैमरे पूछ रहा हूँ। मेरे पास इसका भी कोई आंसर नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो डिपेंड करता है कि देखो काम तो कर ही रहे हैं लोग, तो अब जो कितना अच्छे से काम करा है अभी तक जिसने, उसी को वोट बैंक में वोट मिलना। अच्छा, चाहिए एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल दिल से, आपको कौन पसंद आ रहा है? मुझे तो अभी तक मेरा, अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे को वही पसंद आएगा जो गुड़गांव के लिए काम करेगा। हमारे साथ एक दादा हैं, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नथुराम। अच्छा नथुराम जी कहाँ रहते हैं आप? गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव में रहते हैं, हरियाणा गुड़गांव। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है अब चुनाव आ गया है, उम्र का तजुर्बा भी है आपको, कई चुनाव भी आपने देखे होंगे, तो इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? अच्छा माहौल ये है बेटा,
अब ज्यादा से ज्यादा मेरे दिमाग से पूछोगे तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में। सबसे मेन चीज ये है क्यों गरीब आदमियों का बहुत भला कराया इस सरकार ने। तो कहने का मतलब है आप भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और यहाँ बीजेपी बन रही है? मैं तो खुश हूँ। अच्छा, बीजेपी अगर यहाँ मुकेश शर्मा जी के अलावा किसी और को टिकट देती तब आप किसका समर्थन करते हो? देखो हम तो पार्टी से बंधे हुए आदमी हैं, हम अच्छा आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम व्यक्ति हैं? आम व्यक्ति पर बीजेपी के ही समर्थक है। क्या काम करते हैं आप? अब तो मैं रिटायर हो लिया, सरकारी कर्मचारी था। कहाँ पे? यही गुड़गांव आए थे। किस डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट क्या ना पूछा जाए। आप सरकारी कर्मचारी थे और आपके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से काफी ज्यादा खुश है और आप हमें चाय की दुकान पर आए हुए हैं, कुछ भैया लोग हैं यहाँ पर चाय पी रहे हैं, एक दादा है, क्या नाम है आपका? फूल सिंह चौहान। अच्छा फूल सिंह भाई, क्या काम करते हैं आप? मेरा लेबर का काम है। अच्छा आप लेबर का काम करते हैं। अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है यहाँ गुरुग्राम में, किसका माहौल है? माहौल जी नवीन गोयल का है। नवीन गोयल निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है इस बार, क्या ऐसा है जो निर्दलीय में उनको जो है बहुमत मिल रहा है? पता नहीं है तो, लेकिन बहुमत तो उसी की ज्यादा दिख रही है नवीन गोयल की। नवीन गोयल में मतलब भाई पूछ रहा हूँ, ऐसे उनके कौन से काम है, ऐसे क्या चीजें हैं जिनसे आप लोग उनको पसंद कर रहे हो? उनके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये अपने रेलवे रोड पे मतलब जहाँ भी उनको बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं, मदद करते हैं गरीबों की, सबों की, इसी वजह से। और सही ठीक आदमी है। अच्छा हाँ, बढ़िया आदमी है। अच्छा बेटा एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, नवीन गोयल जी जो भी समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या ये सब कैमरे पे दिखाने के लिए या वाकई में कर भी रहे हैं? नहीं कर भी रहे हैं, वाकई में कर भी रहे हैं, कैमरे दिखाने के लिए नहीं। जैसे पौधे लगाने, उन्होंने ये काम भी किया, पौधा लगाना, किसी की हेल्प करना, और जैसे हॉस्पिटल खोल रखा है उसमें इलाज विलाज की सुविधा भी है। अच्छा तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उम्मीद है कि चुनाव वो जीत सकते हैं? हो सकता है जी, जीत भी जाएं, क्योंकि निर्दलीय तो कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन नवीन गोयल का ही सबसे ऊपर चेहरा आ रहा है। हाँ गुड़गांव से उनका ही चेहरा आ रहा है शहर से जी, तो लग रहा चांस है उनके। अच्छा कहीं ना कहीं आप नवीन गोयल जी के बारे में बता रहे हैं कि नवीन गोयल को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है आपके अनुसार से कि समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है और उम्मीद है कि चुनाव का पाला उनकी तरफ जा सकता है। बाकी अब चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो पब्लिक है, पब्लिक बताएगी, चुनाव बताएगा, जिस दिन वोट खुलेंगे पता चलेगा। बाकी चुनाव से पहले ये हम आपको बताएंगे कि आखिर गुरुग्राम विधानसभा की जो स्थितियां हैं, यहाँ की जनता किसका सर पर राज तिलक करने जा रही है और किसको अपना नेता बनाकर विधानसभा तक का सफर तय कराती है। हम कई और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कैमरामैन सत्यम पांडे के साथ राहुल अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड़गांव हरियाणा।